हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। रियल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 45 है वो डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम 46 से लेकर जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया है। लेट ए फंक्शन एफ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 to 0,1 बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड आई बी ए आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम 0,1 to 0,1 देन एफ एंड आई एग्री एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एग्री एट लीस्ट एट वन पॉइंट, मे नॉट एग्री एट एनी पॉइंट और एग्री एट मोस्ट एट वन पॉइंट। यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है कि एफ और आई हैं ये एग्जैक्टली एक पॉइंट पे एग्री होंगे। एग्री होने का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से एग्री होंगे। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है मे नॉट एग्री एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे एग्री होना जरूरी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है एग्री एट मोस्ट वन पॉइंट, यानी अधिकतम एक पॉइंट पर एग्री होगा। तो ये एक फिक्स पॉइंट का रिजल्ट है कि अगर मेरे पास एफ कोई भी एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, कोई भी एक फंक्शन है, देन ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन को कम से कम एक बार इंटरसेक्ट करेगा। और इसको हम देख भी लेते हैं। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो दोनों फंक्शन क्लोज इंटरवल वन से क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास जीरो है, ये वन है, ये जीरो है और ये वन है। यानी इस रेक्टेंगल में बात करते हैं तो आई मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी ये वाला फंक्शन है। आई का ग्राफ मेरे पास ये हो गया। अब मैं एक फंक्शन लेता हूं, आप कोई भी एक फंक्शन ले लो एफ, तो जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो से वन के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं मेरे पास ये वाला पॉइंट है। अब जीरो से वन में डिफाइन है तो, और साथ में क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है उसका ग्राफ है वो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये एक इंटरवल में डिफाइन है। तो इसके पास क्या क्या हो सकता है ग्राफ, वो ग्राफ इस प्रकार भी हो सकता है कि वाई बराबर ले लेते हैं हाफ, या ग्राफ इस टाइप का भी हो सकता है, या ग्राफ इस टाइप का भी हो सकता है। तो अगर मैं ये ग्राफ लेता हूँ तो कितनी बार कट कर रहा है, एग्जैक्टली वन टाइम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाला ग्राफ लेता हूँ तो भी मेरे पास एग्जैक्टली वन टाइम करेक्ट कट कर रहा है। और इस टाइप का ग्राफ हुआ तो मेरे पास तीन पॉइंट पे क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एग्री एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। लेकिन हमने देखा एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो तीन बार भी कट कर रहा है, पाँच बार भी कट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत हो गया। सी ऑप्शन बोला मे नॉट एग्री एट एनी पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे भी एग्री होगा नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कम से कम एक पॉइंट पे तो एग्री होगा, तो ऑप्शन सी है ये भी डिस्कार्ड हो गया। एग्री एट मोस्ट एट वन पॉइंट, ये बोला कि अधिकतम एक पॉइंट पे एग्री होगा। लेकिन हमने देख लिया ये तो तीन तीन पॉइंट पे भी एग्री हो रहा, पांच पॉइंट पे भी एग्री करवा सकते हैं। इसका तो हम जैसा ग्राफ बनाएंगे उतने पॉइंट पे हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इसका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फिक्स पॉइंट का एक रिजल्ट है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन ए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू ए कोमा बी जो कॉन्टिन्यूस है तो वो कम से कम एक फिक्स पॉइंट है वो जरूर रखेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या गिवन है। लेट एक्स एन बी ए अनबाउंडेड सिक्वेंस इन आर, अनबाउंडेड सिक्वेंस है आर के अंदर। देन आपको बताना है एक्स एन एज ए कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस, एक्स एन एज ए सब सिक्वेंस एक्स एन के सच दैट एक्स एन के कन्वर्ज टू जीरो। सी ऑप्शन है एक्स एन हैज ए सब सिक्वेंस एक्स एन के सच दैट वन अपॉन एक्स एन के टेंस टू जीरो। और डी ऑप्शन है एवरी सब सिक्वेंस ऑफ एक्स एन इज ए अनबाउंडेड, इसकी प्रत्येक सिक्वेंस है वो सब सिक्वेंस है वो क्या होगी, अनबाउंडेड होगी। तो इसको भी हम काउंटर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अनबाउंडेड सिक्वेंस का मतलब क्या है, ऐसी सिक्वेंस जो बाउंडेड नहीं है, यानी या तो बाउंडेड अबो हो या बाउंडेड बिलो हो या अनबाउंडेड अबो एंड बिलो हो। तो मैं एक सीक्वेंस लेके चलता हूँ एग्जाम्पल एक्स एन बराबर एन, आप सभी जानते हो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है और इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्स एन एज ए कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, तो इसके पास तो कोई भी ऐसी सबसिक्वेंस नहीं है जो कन्वर्जेंट हो, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो गया गलत। तो ऐसी सिक्वेंस जो डाइवर्ज टू इन्फिनिटी या डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी हो तो उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस नहीं होती, तो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ये होते ही। सेकंड में क्या है कि एक ऐसी सबसिक्वेंस होगी जो जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन ही जब सही नहीं है कि इसके पास कोई कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस ही नहीं होती, तो जीरो पे कन्वर्ज होने वाली सबसिक्वेंस तो मिल ही नहीं सकती, यानी ऑप्शन बी है ये भी डिस्कार्ड हो गया। डी है एवरी सबसिक्वेंस ऑफ एक्शन इज अनबाउंडेड, ये बोला कि उसकी प्रत्येक सबसिक्वेंस है वो अनबाउंडेड होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक सिक्वेंस ले लेता हूँ मैं एक्स एन बराबर वन और एन, जब एन का मान ले लेते हैं ओड और जब एन का मान हो इवन, तो ये सिक्वेंस है। इस सिक्वेंस कौन सी है, ये ओसिलेट है, इनफाइनाइटली ओसिलेट सिक्वेंस है, ठीक है ना। इसकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ज़रूर है लेकिन ये इनफाइनाइटली ओसिलेट सिक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये अनबाउंडेड है और साथ में इसके पास एक लिमिट पॉइंट भी है। इसकी जो हम सीक्वेंस लेते हैं एक्स टू एन माइनस वन, यानी ओ टर्म की सीक्वेंस है, ये वन पे कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास एक ऐसी सब सीक्वेंस आ रही है जो कन्वर्जेंट है, लेकिन डी ऑप्शन बोला एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज अनबाउंडेड, तो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, एक्स एन हैज ए सब सिक्वेंस सच दैट वन अपॉन एक्स एन के टेंस टू जीरो। तो हम जानते हैं कि एक्स एन है या तो इस टाइप की होगी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी या वो इनफाइनाइटली ऑसिलेट टाइप की होगी। तो इसके अंदर तो ये वाली सिक्वेंस ले लेता हूँ सब सिक्वेंस और इवन टर्म की, तो ये जीरो पे करवाई कन्वर्ज करेगी। ये वाली सिक्वेंस खुद ही इसका रेसिप्रोकल लेंगे वन अपॉन एक्स एन, यानी कि वन अपॉन एन ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, इसका रेसिप्रोकल माइनस वन बाई एन ये भी जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। तो यानी अगर मेरे पास कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस है, एक ऐसी सब सीक्वेंस ज़रूर होगी जो जीरो पे कन्वर्ज करेगी, तो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के ऊपर हमने दो वीडियो पहले ही बना रखे हैं। फर्स्ट वीडियो में जितने भी उसके कंसेप्ट हैं और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं उनको डिस्कस किया है, और सेकेंड वीडियो में CSR नेट में अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया है। तो जिसने नहीं देखे हैं, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में अगर आपको कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड समस्या है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेवें, तो उसके बाद आपका यूनिफॉर्म क्वांटिटी का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम ऑप्शन दे रखा है fx बराबर 1 बाई एक्स, सेकेंड दे रखा है fx बराबर साइन एक्स बाई एक्स, और सी ऑप्शन है साइन 1 बाई एक्स, और डी ऑप्शन है कोस एक्स अपॉन एक्स। तो हम एक रिजल्ट जानते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के लिए, क्या है कि अगर मेरे पास ए मेरे पास कोई भी एक बाउंडेड सेट है तो दूसरा मेरे पास है अनबाउंडेड इंटरवल है या अनबाउंडेड सेट। तो एक के पास दो चॉइस हो सकती हैं, तो बाउंडेड हो सकता है या अनबाउंडेड हो सकता है। तो अगर ए बाउंडेड सेट है देन लिमिट ऑफ एफ एग्जिस्ट एट एंड पॉइंट, यानी एफ की एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती हो, देन इफ एंड ओनली इफ एफ इज यूसी ओन ए, यानी ए पर अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो उसके एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, और उस सेट के एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अगर आपके पास सेट अनबाउंडेड है देन क्या होगा, इफ लिमिट ऑफ एफ एग्जिस्ट एट एंड पॉइंट्स दिस इंप्लाइज एफ इज यूसी, यानी एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट है तब तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी एफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो तो ज़रूरी नहीं कि उसके एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे। एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स, या मैं बोलूँ कोस एक्स, ये पूरे आर पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हैं, यू सी ओन आर,
लेकिन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर कि बाउंडेड सेट है तो जीरो और वन पे जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वही क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। तो हम जानते हैं एफ एक्स बराबर वन बाई एक्स कि जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन की भी जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और डी ऑप्शन की भी जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ऑप्शन बी बचा। और हम जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का मान आ गया वन और लिमिट एक्स टेंस टू वन साइन एक्स अपॉन एक्स का मान आ गया साइन वन, यानी जीरो और वन दोनों ही एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी बी ऑप्शन है ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। लेकिन अगर मैं इंटरवल यहाँ पर 1, 2 ले लेता तो आपके पास ए ऑप्शन है दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, सी ऑप्शन है दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस और डी ऑप्शन है दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो अगर हम इंटरवल चेंज कर देते हैं तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है वो चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखना किस इंटरवल या किस सेट पे हम बात कर रहे हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 48। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेट्रिक ऑन सी, जहाँ पर सी क्या सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 विच आर कॉन्टिन्यूस, यानी सी 0, 1 के अंदर कौन से फंक्शन आते हैं, क्लोज इंटरवल 0, 1 से आर में डिफाइन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हमें बताना है कि कौन सी मैट्रिक नहीं है, नॉट मैट्रिक। तो फर्स्ट क्या है, एफ और जी कोई भी दो मेंबर हैं इस सेट के, ये मेरे पास कोई एक्स सेट है। तो डी डिफाइन किया है सुप्रीमम एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस, बी ऑप्शन में इनफिमम ले लिया एफ एक्स माइनस जी एक्स के मॉडुलस का, सी ऑप्शन में एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस का इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 और डी ऑप्शन में क्या है फर्स्ट और जो थर्ड है इनका एडिशन ले लिया। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स स्पेस के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ कि x आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और d एक मैपिंग है x क्रॉस x टू r, या यहाँ पर ले सकते हैं r पॉजिटिव यूनियन 0 यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है m1 कि डी एक्स वाई हमेशा ही नॉन नेगेटिव होगी, यानी डिस्टेंस है x और y के बीच की वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ x बराबर y, यानी x और y के बीच की डिस्टेंस 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर y है, और x बराबर y है उस केस में उसके डिस्टेंस कितनी आएगी, 0 आएगी। M3 क्या है कि डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स सिमेट्री, यानी x और y के बीच की डिस्टेंस निकालो या y और x के बीच की डिस्टेंस फंक्शन निकालो क्या आएगा, इक्वल आएगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनक्वलिटी, क्या है डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये सारी कंडीशन कहाँ पर है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स में। तो अगर एक फंक्शन जो एक्स क्रॉस एक्स टू आर में डिफाइन है और इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन डी इज कॉल्ड मेट्रिक फंक्शन, या इसको बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन आवर एक्स, और एक्स कोमा डी क्या कहलाता है, मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। तो ये है मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन। उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल है, स्टैंडर्ड एग्जांपल, वो आपको ध्यान में होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल ही दे रखे हैं और उसके बाद हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स स्पेस के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल जो राजर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से है इसके ऊपर प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो एक बार उनको आप सरसरी नज़रों से देख लें। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैट्रिक्स स्पेस से क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेफिनेशन से पूछा जाएगा, या जो इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं यहाँ पर जो भी लिखे हैं वो स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं सारे, अगर आप शॉर्ट नोट्स देखोगे तो मिल जाएंगे। और उसके बाद कुछ 5-7 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिसको मैंने यहाँ पर भी लिखा है, एक बार वो रिजल्ट भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी।
क्या है फर्स्ट रिजल्ट कि डी एक्स वाई बराबर एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन का मॉडुलस इज मेट्रिक ओन आर इफ एंड ओनली इफ एन इज ओड नेचुरल नंबर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये ओड होगा तभी मेट्रिक स्पेस, एन इज ओड है तभी ये मेट्रिक होगी, अदरवाइज मेट्रिक नहीं होगी आर पर। अगर इवन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेते हैं तो ये जीरो होगा कब, जब x बराबर प्लस माइनस वाई, यानी x बराबर y है तब तो सही है, लेकिन x बराबर माइनस वाई पे जीरो हो गया तब गलत हो गया। क्यों, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या थी कि डिस्टेंस फंक्शन डी एक्स वाई जीरो कब होगा, यदि और केवल यदि x बराबर y हो, लेकिन यहाँ पर x बराबर माइनस वाई पर भी इसका मान जीरो हो रहा है, दिस इंप्लाइज इट इज़ ए नॉट ए मैट्रिक। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ पर तीन हो पाँच हो सात हो तभी मैट्रिक बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी, या वन हो। सेकंड रिजल्ट है कि आपके पास डी वन डी टू डी एन आर मैट्रिक ऑन एक्स, देन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी मैट्रिक होगा, लेकिन जो कोफिशियंट है कि आई ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए सारे के सारे। तो अगर मैं इनको एक एक ले लेता हूँ तो क्या जाएगा, डी वन प्लस डी टू प्लस डॉट डॉट। तो अगर आपके पास n मैट्रिक हैं किसी सेट x पे डिफाइन, तो उनका सम है वो भी क्या होगी, मैट्रिक होगी, लेकिन उनके डिफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट रिजल्ट है, ऊपर है d1 वन प्लस डी टू प्लस डॉट डॉट डी एन, और नीचे है 1 प्लस जो भी ऊपर है एज इट इज, तो ये भी एक मैट्रिक होगी। तो अगर आपके पास x d कोई मैट्रिक स्पेस है तो d अपॉन 1 प्लस डी भी क्या होगी, एक मैट्रिक होगी ऑन x पर। क्यों, बाई दिस रिजल्ट यहाँ पर n का मान 1 ले लेंगे तो मेरे पास ये मिल जाएगा। थर्ड रिजल्ट है, d1 वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर का अंडर रूट है, ये भी एक मैट्रिक हो गया x पे। थर्ड और फोर्थ रिजल्ट इनको एक साथ ध्यान में रख सकते हैं, एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है और k यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एक नई मैट्रिक हम डिफाइन करते हैं मिनिमम k कोमा d, और दूसरी है मैक्सिमम k कोमा d। तो मिनिमम वाली तो हमेशा मैट्रिक बनाएगी, लेकिन मैक्सिमम लेंगे तो ये मैट्रिक बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और फोर्थ में क्या है कि D1 और D2 दो मैट्रिक हैं, तो उनका मिनिमम है वो मैट्रिक बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन मैक्सिमम है वो मैट्रिक बनाएगी। तो यहाँ पर एक ध्यान में रख लेना, एक में मिनिमम वाली बनाएगी और एक में मैक्सिमम वाली बनाएगी। तो ये ध्यान रखो कि दो मैट्रिक गिवन है D1 और D2, तब मैक्सिमम वाली हमेशा मैट्रिक बनेगी। तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो उसमें मैक्सिमम नहीं बनेगी, यानी मिनिमम वाली मैट्रिक बनेगी। और नेक्स्ट है कि दो मैट्रिक है तो उनका प्रोडक्ट है वो भी मैट्रिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी ए मैट्रिक ऑन एक्स। और फिफ्थ रिजल्ट है कि एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है तो डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स कोमा जेड माइनस डी जेड कोमा वाई, जहाँ पे जेड क्या है, बिलोंग्स एक्स वाई जेड, यहाँ चाहो तो लिख लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। और नेक्स्ट रिजल्ट है डी एक्स वन माइन कोमा वाई वन माइनस डी एक्स टू कोमा वाई टू का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी वाई वन वाई टू। और ये रिजल्ट नहीं, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपकी जेपीएच वाली बुक है उसमें मिल जाएंगे, आसान से प्रूफ हैं, तो आप उनको कर लेना एक बार ताकि आप आसानी से याद रह जाएगी, अदरवाइज इनको आप ध्यान में भी रख लेना क्योंकि एज इट इज ये ऑप्शन में आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा हो रहा। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट इसके टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको हम देख भी सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाली मैट्रिक है या नहीं है, तो ए ऑप्शन को चेक करता हूं मैं। तो क्या है फर्स्ट कंडीशन, डी एफ कोमा जी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो कोमा वन। और ये हम जानते हैं क्या होगी, नॉन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मोड फंक्शन है वो क्या होता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और इनका सुप्रीमम लेंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा है एम वन। एम टू क्या है कि डी एफ कोमा जी जीरो कब होगा, जब ये वाला पार्ट जीरो हो, तो दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम मोड एफ माइनस जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ एफ माइनस जी इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज मोड के अंदर कोई क्वांटिटी है वो उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो। हम जानते हैं कि मोड एक्स बराबर जीरो इंप्लाइज एक्स बराबर जीरो, तो यानी एफ माइनस जी बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज एफ बराबर जी।
तो क्या मिल गया मेरे पास कि डी एफ जी बराबर जीरो इफ एंड ओनली इफ। अगर आप वापस जाओगे तो भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड एफ बराबर जी, यानी इफ एंड ओनली इफ आ गया है कि एफ और जी की डिस्टेंस जीरो है तो एफ बराबर जी होगा, और एफ बराबर जी है तो इस रास्ते से जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। एंड थर्ड क्या है, डी एफ जी दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम मोड एफ माइनस जी, दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम जी माइनस एफ का मॉडुलस, दिस इज इक्वल्स टू डी जी कुमार, यानी सिमेट्रिसिटी है वो भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और फोर्थ है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो ये क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि डी एफ जी दिस इज क्या गिवन आपके पास, एफ माइनस जी का मॉडुलस का सुप्रीमम, जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है 0,1 में, तो इसको मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ माइनस जी का मॉडुलस दिस इज इक्वल्स टू एफ माइनस एच प्लस एच माइनस जी, यानी एच को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एफ माइनस एच प्लस एच माइनस जी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल्स टू मोड ए प्लस मोड बी। अब दोनों साइड सुप्रीमम ले लेते हैं, तो सुप्रीमम एफ माइनस जी दिस इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम एफ माइनस एच का मॉडुलस दिस इज प्लस सुप्रीमम एच माइनस जी के मॉडुलस, और ये आपके पास क्या है, ये है डी एफ जी दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या है डी एफ एच, ये क्या है डी एच जी, तो ये मेरे पास कौन सी इनक्वालिटी हो गई है, ट्राइंगल इनक्वालिटी है, वो सेटिस्फाई हो गई। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इम्प्लाइज डी एफ कोमा जी इज मेट्रिक ऑन सी, यहाँ पर सी क्या है, ये सेट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट हो गया, यानी डी एफ जी इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ मोड एफ माइनस जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 इज ए मेट्रिक, हमें पूछा नॉट ए मेट्रिक। तो अगर मैं सुप्रीमम की जगह इंटीग्रेशन लूँ तो उस केस में भी चारों के चारों प्रॉपर्टी है वो इसी प्रकार क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये खुद आप करके देख सकते हो, तो जब इंटीग्रेशन लेंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये मेट्रिक हो जाएगी। और अभी हमने एक रिजल्ट देखा था कि दो मेट्रिक का सम भी क्या होती है, एक मेट्रिक डी वन प्लस डी टू है वो भी क्या होगी, एक मेट्रिक होगी। दिस इम्प्लाइज डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा बचा, बी ऑप्शन बच गया, तो बी है ये मैट्रिक नहीं है, तो हमें कौन सा पूछा था कि कौन सी मैट्रिक नहीं है, यानी बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगर इसको आप चेक करोगे तो जो फर्स्ट तीन प्रॉपर्टीज हैं वो तो सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है वो फेल हो जाती है, तो ये मैट्रिक नहीं है। तो आप डायरेक्ट ध्यान में रखना कि सुप्रीमम हो या इंटीग्रेशन का साइन हो, ये दोनों ही मैट्रिक बनाते हैं, चाहे आप कोई भी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी ले लो, तो इसके अंदर जो इन्फिमम वाला है वो मैट्रिक नहीं बनाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्या पूछा है 50 में, एक्स आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है, ए सबसेट है जो कनेक्टेड है विद एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट इन इट। तो यहाँ पर x एक मैट्रिक स्पेस है, तो मैं ले लेता हूँ R कोमा D, मेरे पास एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस, जहाँ पर D क्या है, यूजुअल मैट्रिक, तो क्या होती है डी एक्स वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू R। A इसका कनेक्टेड सबसेट है, तो ले लेते हैं A सबसेट ऑफ R, और हम जानते हैं R के अंदर कनेक्टेड सेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरवल्स होते हैं, तो A क्या है, इंटरवल है, और इंटरवल हमने एक वीडियो में डिस्कस किए थे कि टोटल 11 टाइप के होते हैं, जिसमें एम्प्टी सेट भी एक इंटरवल होता है और सिंगलटन होते हैं, उसके अलावा ओपन ए बी, क्लोज ए बी और सेमी ओपन या सेमी क्लोज ए बी, उसके बाद ए टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू ए, माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज ए, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी 11 टाइप के होते हैं। तो ये बोला एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट रख रहा है, तो यानी कि न तो एम्प्टी सेट हो सकता है ना ही सिंगलटन हो सकता है, इसके अलावा जो बच गए नो, और हम जानते हैं कि जो नो इंटरवल जो बच गए हैं उनकी कार्डिनलिटी क्या होती है, उनकी तो अनकाउंटेबल होती है, तो यही पूछा है इसमें
कि उनकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, अनकाउंटेबल होगी। लेकिन अगर ये नहीं देता यहाँ पर एटलीस्ट टू एलिमेंट, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो उस केस में आपके पास उसकी कार्डिनलिटी जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 50। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नेट में लगातार दो बार पूछा गया। एक बार तो यहाँ पे 2, 4, 4, 6 लिया है, दूसरी बार 3, 6, 6, 9 लिया था। तो इस क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक है, अगर वो आपके पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन है वो आसानी से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है पूछा है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n। आपको क्या करना है, सिर्फ रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे, 1/√2 + 4√, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 - 4 √2 - 4 प्लस 1/√4 - √6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, √4 - √6 / √4 - √6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/√2n + √2n + 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2n - 2n + 2 / √2n - 2n + 2। तो अब हम देखें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n, तो इसको देखेंगे तो कितना आएगा, 2 - 4 यानी -2, 4 - 6 - 2 यानी नीचे -2 कॉमन आ जाएगा तो -1/2। ऊपर कितना बचेगा, √2 - √4 + √4 - √6 एंड सो ऑन प्लस √2n - √2n + 2। तो 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास लास्ट में, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस का 1/2 और ऊपर बचेगा √2 - 2n + 2/√n। और इसकी लिमिट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, कितनी आएगी लिमिट, ऊपर नीचे पावर सेम है तो उनका कोफिशियंट ही क्या जाएगी उसकी लिमिट, जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 तो पहले से है, और यहाँ से आएगा माइनस का √2। या आप क्या कर सकते हो, ऊपर से √n कॉमन ले सकते हो, तब भी कितनी आएगी, -√2 ही आएगी, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√2, यानी ऑप्शन सेकेंड है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये था लिमिट का क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि इसको रेशनलाइज करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्या पूछा गया है, कंसीडर द इंटरवल ओपन -1 to +1 एंड सीक्वेंस अल्फा एन एन इक्वल्स टू 1 to ∞ ऑफ एलिमेंट इन इट। यानी आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है अल्फा 1 सच दैट कि अल्फा एन बिलोंग कर रहे हैं -1 से +1 में, यानी इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट हैं वो ओपन इंटरवल -1 से +1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन -1 से +1, यानी इसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करेंगे। और सेकेंड ऑप्शन है, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन -1 से +1 क्लोज इंटरवल। थर्ड ऑप्शन है, द लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन कैन ओनली इन बी -1, 0, 1, यानी इसके लिमिट पॉइंट हैं वो -1, 0, 1 ही हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और डी ऑप्शन है, द लिमिट पॉइंट्स ऑफ अल्फा एन कांट बी इन -1, 0, 1, यानी लिमिट पॉइंट है वो -1, 0 और 1 नहीं हो सकते। तो यानी सी और डी में दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, हो सकता दोनों ही ना हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो देखते हैं, हमें एक ऐसी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके सारे के सारे एलिमेंट -1 और +1 के बीच में है ओपन इंटरवल, और इन कोई 3 जो ऑप्शन है इनको डिस्कार्ड करती हो। तो ऐसे क्वेश्चन हैं वो काउंटर एग्जाम्पल से किए जाते हैं। तो देखते हैं हम ऐसी सीक्वेंस, तो अगर आपने सीक्वेंस पढ़ी है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो एक सीक्वेंस है xn 1 - 1/n और एक दूसरी सीक्वेंस मैं ले लेता हूँ yn - n + 1/n। तो इस सीक्वेंस के टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या आएगा, x1 = जब n का मान 1 रखते हैं तो 0, 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मान 1 - 1/2 यानी 1/2, x3 कितना आएगा 1 - 1/3
यानी 2/3। इसका n का मान जब इनफाइनाइट रखते हैं तब इसका मान 1 आएगा, लेकिन n इनफाइनाइट हो नहीं सकता तो इसका मान 1 हो नहीं सकता, यानी इस सीक्वेंस के सारे टर्म हैं वो -1 से +1 में लाई कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ, ये तो 0 से 1 में ही लाई कर रहे हैं, तो ये इसका सबसेट है तो इसमें भी लाई करेंगे, यानी ये सीक्वेंस है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर मैं इस एक्स एन का लिमिट पॉइंट निकालूँ, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन कितना आएगा, इसका लिमिट पॉइंट तो 1 आएगा क्योंकि ये तो 1 -0, तो इसका लिमिट पॉइंट 1 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन इज इन -1 से +1 ओपन इंटरवल, लेकिन ये तो इसके अंदर नहीं है, दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए है ये तो डिस्कार्ड हो गया। डी ऑप्शन बोला द लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा एन कांट बी -1 0 1, इसका लिमिट पॉइंट तो 1 है, यानी डी ऑप्शन है ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब अगर इसकी बात करूं मैं तो इसका लिमिट पॉइंट कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन -1, तो -1 भी आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये भी आ जाए या ये आ जाए तो आप ये दो ऑप्शन तो आसानी से कट कर सकते हैं। अब हमें देखना है इनमें से, ये बोला कि सिर्फ यही होंगे, लेकिन अगर मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ एक्स एन बराबर 1/2, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले सकते हैं, और ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है तो ये इसी पॉइंट 1/2 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये बोला कि इसके लिमिट पॉइंट तो -1 0 1 ही होंगे, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट तो 1/2 भी है, यानी सी ऑप्शन भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। और एक रिजल्ट भी है अगर आपको ध्यान में हो तो, कि इफ एक्स एन के सारे टर्म लाई कर रहे हो ए टू बी में, इफ एक्स एन बिलोंग्स टू माई क्लोज इंटरवल ए कोमा बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन है वो भी कहाँ लाई करेगी, क्लोज इंटरवल ए टू बी में, और अगर ओपन इंटरवल ए कोमा बी में भी लाई करें प्रत्येक टर्म सीक्वेंस के, देन उस केस में भी क्लोज इंटरवल ही आएगा, इसकी लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन है वो क्लोज इंटरवल होगा। तो यानी सीक्वेंस के सारे टर्म ओपन इंटरवल लो ए टू बी या क्लोज इंटरवल ए टू बी लो, तो दोनों ही केस में जो इसकी लिमिट आएगी वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में ही लाई करेगी। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हो, तब तो आप डायरेक्ट कर दोगे, अदरवाइज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल आपको सीक्वेंस है, इनके काउंटर एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हो, और इनकी मदद से भी हम इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 52, ये नेट में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 2/3, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0.1, देन ओन क्लोज इंटरवल 0.1 आपसे पूछा है कि एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड एफ डैश इज अनबाउंडेड। सेकंड ऑप्शन है एफ इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड एफ डैश इज बाउंडेड, और थर्ड ऑप्शन है एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड एफ डैश इज बाउंडेड, और फोर्थ ऑप्शन है एफ इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड एफ डैश इज अनबाउंडेड। तो इसके हम सॉल्यूशन की बात करें बाउंडेड ऑफ वेरिएशन का, तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में अगर फंक्शन मोनोटोनिक है देन इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो अगर आप इसका ग्राफ देखो, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 2/3 का ग्राफ क्लोज इंटरवल 0.1 में, तो वो इस टाइप का, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिक फंक्शन हो गया क्लोज इंटरवल 0.1 में, इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो गया। या आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका डेरिवेटिव करें एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1, तो यानी कि ये हो जाएगा -1/3, दिस इज इक्वल्स टू 2/3 और एक्स की पावर 1/3। जब एक्स का मान क्लोज इंटरवल 0.1 के बीच में लेते हैं तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0.1, दिस इंप्लाइज एफ इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इससे भी देख सकते हैं हम जानते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और एफ डैश लेस देन 0 देन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग,
और आप इसका ग्राफ से भी देख सकते हो। और ये रिजल्ट हम जानते हैं, इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल जीरो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी देन इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड? ये तो करेक्ट हो सकते हैं लेकिन टू और फोर्थ है ये तो गलत हो गया। अब ये बोला कि इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो एफ डैश एक्स हमने अभी निकाला कितना आया था, 2/3 एक्स की पावर 1/3। कहाँ पर बात कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0,1 में। तो एफ डैश 0 पर तो मेरे पास कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। दिस इंप्लाइज ये तो अनबाउंडेड हो गया, और अनबाउंडेड हो गया तो ऑप्शन फर्स्ट है ये तो सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन ये गलत हो गया। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट है ये करेक्ट हो गया। तो आपको बाउंडेड वेरिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं डिटेल से, अगर वो आपको ध्यान में है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1/2 की पावर एम प्लस 1/2 की पावर एन सच दैट, यहाँ पर ये सच दैट एम कोमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देन बताने कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे, टू होंगे, फाइनाइटली मैनी होंगे, मोर देन टू या सिर्फ एक होगा। तो ये अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, एक सेट ए लेता हूँ मैं और जो 1/2 की पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसके लिमिट पॉइंट हैं वो क्या होंगे इस सेट के। तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 की क्यूब एंड सो ऑन, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो जैस जब एन टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी, यानी लिमिट पॉइंट ऑफ ए ए डैश में मेरे पास क्या जाएगा, सिंगलटन 0 आ जाएगा। अब मैं दूसरा सेट लेता हूँ, एक सेट बी 1/2 की पावर एम प्लस 1/2 की पावर एन सच दैट एम कोमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वांटिटी को फिक्स कर देता हूँ और दूसरी को वेरी कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं बी एक सेट लेता हूँ, सबसे पहले एम को मैं वेरी करा देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर एन, 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर एन, 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर एन एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्या आ गया सेट, जहाँ पर एन क्या है, एन जहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वाला खुद एक सेट है, ये एलिमेंट है एक सेट है, ये वाला भी एक सेट है। अगर हम इसको देखें, इस एलिमेंट को 1/2 प्लस 1/2 की पावर एन क्या कर रहा है, एन को वेरी कराना है, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/2 की क्यूब एंड सो ऑन। और हम जानते हैं जब एन का मान इन्फिनिटी पे जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 इसका लिमिट पॉइंट आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे तो ये भी जब एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 0, यानी 1/2 स्क्वायर, इससे 1/2 की पावर 3, तो ये इस टाइप के मेरे पास लिमिट पॉइंट मिलेंगे। तो मैं बात करूँ ये कितने होंगे, ये इनफाइनाइटली मैनी होंगे, तो बी डैश क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके अलावा कुछ और भी मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ पर 0 नहीं आया, 1/2 की स्क्वायर, 1/2 की पावर क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन जब एम और एन दोनों ही एक साथ वेरी कर जाएं तो यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है ना, तो बी मेरे पास क्या आ सकता है, जब एम बराबर एन हो जाए तो कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर एन प्लस 1/2 की पावर एन, जहाँ पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या मैं बोलूँ 1/2 की पावर एन माइनस 1 सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, तो बी डैश मेरे पास यहाँ पर क्या जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, या मैं बोलूँ लिमिट 1/2 की पावर एन माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में लिमिट पॉइंट 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डैश है वो, दिस इज यूनियन 0, तो ये इसका लिमिट पॉइंट।
तो आपसे या ना पूछ करे कि फाइनाइट होंगे इनफाइनाइट होंगे या दो या चार, आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो सेट कौन सा होगा। तो सेट में आपको ये भी दे सकता है, आपको ये अकेला भी दे सकता है, इनका यूनियन भी दे सकता है, इसके अलावा कुछ और भी दे सकता है। तो अब आपको कोई भी इस प्रकार का सेट दे जिसमें m और n दो वेरिएबल हैं, तो उनको आप डिटेल से इस मेथड की मदद से सोल्व कर सकते हो। तो अब मैंने आपको इन जनरलाइज बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिमिट पॉइंट हैं वो किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास एक होमवर्क है, a बराबर, मैं एक सेट देता हूँ आपके पास 2n+1/3m सच दैट m, n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, तो a डैश क्या होगा, इस सेट के लिमिट पॉइंट हैं वो क्या होंगे, ये आपको फाइंड आउट करके बताने। तो आप इसको इस यूट्यूब वीडियो है इसके नीचे कमेंट कर सकते हो, या जो टेलीग्राम चैनल है आपका राजर अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पर भी सोल्व करके उस फोटो भेज सकते हो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 54। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक, यानी आर कोमा डी एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। यूजुअल मैट्रिक कौन सी होती है, डी एक्स वाई बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जो हम पढ़ते हैं वो यूजुअल मैट्रिक ही पढ़ते हैं, तो आपको बताना है इसके अंदर कौन से सेट हैं वो कनेक्टेड है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया था कनेक्टेड सेट कौन से होते हैं रियल नंबर में, जो इंटरवल होते हैं, यानी इंटरवल्स आर ओनली कनेक्टेड सेट इन आर। तो आपको बस यही बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से इंटरवल हैं, और मैंने अभी बताए थे इंटरवल हैं वो सिर्फ 11 टाइप के होते हैं, और इंटरवल की डेफिनेशन भी मैंने एक वीडियो में बता रखी है डिटेल से। तो अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ इंटीजर भी एक इंटरवल नहीं है, रेशनल नंबर भी नहीं है, और ये भी एक इंटरवल नहीं है, सिर्फ इंटरवल कौन सा है 0, 1 जो इस टाइप का है। तो अगर आपको ये छोटी सी रिजल्ट पता है कि कनेक्टेड सेट हैं वो आर में सिर्फ इंटरवल होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट है ये डायरेक्ट ही आप सही कर सकते हैं। ये इंटरवल क्यों नहीं है, इंटरवल की डेफिनेशन क्या है कि इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस व्हेनेवर x अगर z से बड़ा है, x z से छोटा है और y से छोटा है, देन z भी s में लाई करना चाहिए। अगर इस प्रॉपर्टी को कोई सेट सेटिस्फाई करता हो तब हम बोलते हैं वो सेट इंटरवल है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 3/2 और 5/2 हैं, दोनों के दोनों इस सेट s में हैं, लेकिन इनके बीच में एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है मुझे 2.5 जो 3/2 से तो बड़ा है, लेकिन 7/2 आएगा, लेकिन 7/2 से छोटा है, एंड 2.5 यानी कि 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज इट इज नॉट एन ए इंटरवल। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 55। तो ये थे आपके पास 55 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट। तो इस 55 क्वेश्चन के माध्यम से हमने लगभग 100 से 110-115 कंसेप्ट हैं वो अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपने सेट या आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट के साथ कर लिए हैं, तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको सीयूटी या सेट में पक्का ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो एक साथ में पीडीएफ है उनकी वापस प्रोवाइड करवा दूं आपको, तो एक बार दोबारा देख ले, मैं 1 से लेकर 55 नंबर तक जो भी क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ एक साथ जो टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स उसके ऊपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार देख लेना। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो सकता है मेरे से बोलते टाइम या लिखते समय कुछ सिली मिस्टेक हो गई हो, तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप बता देना। तो जो साथी सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी कम बचा है, तो सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं, आपका पेपर शानदार हो, और सेट के बाद एक बार फिर आपसे मिलते हैं। तो तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।